हरदोई के विभिन्न संगठनों आश्रय सेवा समिति, गजानन सेवा समिति, नई राह सेवा संस्थान, वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट, कुबेर लाल जन सेवा संस्थान, टीम कोरोना योद्धा, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी और पतंजलि सेवा समिति ने श्रद्धा की क्रूरतम तरीके से हत्या करने वाले आफताब को तय समय में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रपति से फांसी की मांग की है। उन्होंने एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। जिला अधिकारी के माध्यम से भेजे जाने वाले इस ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता को सौंपते हुए इन संगठनों ने श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में जो अपराधी है आफताब पूनावाला, उसकी न्यायिक रूप से मृत्युदंड देने की मांग की गई है। अन्य संगठनों और संस्थाओं से राष्ट्रपति से हत्यारे आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग करने की उन्होंने इस दौरान अपील भी की। मौके पर गजानन सेवा समिति के कपिल चतुर्वेदी, आश्रय सेवा समिति के नितिश मुखर्जी और नई राह सेवा समिति की शिप्रा सुनकर, पतंजलि सेवा समिति की विनीता पांडे, कुबेर लाल जन सेवा समिति से निर्मा देवी सहित बड़ी संख्या में संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। क्यों ज्ञापन सौंपा है ये? हम लोगों ने ज्ञापन इसीलिए सौंपा है, गजानन सेवा समिति की तरफ से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो क्रूरतम हत्या श्रद्धा वॉकर की हुई है आफताब पूनावाला के द्वारा, और जिसमें इतनी क्रूर तरीके से उसकी हत्या की गई, 35 टुकड़े करके जो है उसे फ्रिज में रखा गया, और ऐसी मानसिकता जिस भी अपराधी के अंदर अगर ऐसी मानसिकता पैदा हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही उसको दंड मिलना चाहिए, वो है मृत्यु दंड। तो ऐसी कामना करते हुए हम सभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आफताब को जल्द से जल्द न्यायिक रूप से उसे फांसी की सजा दी जाए, और ताकि इस मानसिकता को हम जड़ से मिटा सकें और आने वाले समय में ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसा अपराध दोबारा कभी किसी भी बेटी के साथ हमारे देश में ना। थैंक यू। ज्ञापन महिला जिला प्रभारी विनीता पांडे, और जो श्रद्धा के साथ जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। उनको जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कोई हाथ पैर तोड़ के उन्हें बैठाला जाए, क्यों, जिससे कि वो समझे भी कि जिंदा होते हुए भी किस तरीके से जो है अगर आपने अपराध किया उन्हें आजीवन ध्यान रहे कि अब ऐसा अपराध कभी कोई आगे भूल करके भी ना करे। थैंक यू। क्यों ज्ञापन सौंपा गया आज? जो चारों तरफ खबर है कि श्रद्धा के संग जितना गलत हुआ है या जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, तो आफताब को फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरीके की क्रूरतम अपराध जो उन्होंने किया है, सिर्फ अपराध नहीं किया, बहुत क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की गई है, और उसको ये इंसाफ मिले ताकि उनको पिता को भी ये शांति मिल सके कि हाँ मेरी बेटी के साथ में इंसाफ हो और आगे किसी भी बेटी के साथ में ऐसे गलत ना हो। थैंक यू। आज जो श्रद्धा हत्या कांड जिस निर्ममता के साथ आफताब ने किया है, ये समाज के सभी जो जिले की सामाजिक संगठन हैं सब एक साथ महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती है कि इस क्रूरतम हत्याकांड के लिए, जघन्य कांड के लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए, और यही मांग है जिससे कि किसी बेटी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार समाज में न हो। ये ज्ञापन सौंपा है आज हम लोगों ने, जो ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को के नाम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि श्रद्धा के जो भी इस तरह की क्रूर घटना हुई है, ऐसी कोई घटना ना हो, उसको आगे जो ने आफताब को बहुत ही दंडनीय अपराध किया है इन्होंने, और इनको जो है फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। कोई इनके पे रियायत नहीं होनी चाहिए, हम लोग की यही मांग है। हमारी संस्थाएं हमारे साथ हैं, जिले की सारी संस्थाओं उन्हें ज्ञापन दिया है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।